हेलो फ्रेंड्स, सॉलिडिस ट्रेनिंग के आज के वीडियो में हम ड्रॉ करने वाले हैं इस ऑब्जेक्ट को। इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और राइट हैंड साइड व्यू यहाँ पे दिया है। इसके सभी डायमेंशन यहाँ पे दिए हैं और इसका जो 3D व्यू है, आइसोमेट्रिक व्यू है, ये यहाँ पे दिया है। तो इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट को हम आज सॉलिडिस 2020 में ड्रॉ करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू पार्ट फाइल ओपन करूँगा। उसके लिए मैं जाऊँगा एप्लीकेशन बटन के ऊपर, उसके बाद क्लिक करूँगा न्यू के ऊपर, उसके बाद न्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आईएसओमेट्रिक पार्ट फाइल के ऊपर क्लिक करके ओके बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे हम ये जो फ्रंट व्यू है इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे डायमेंशंस इस तरह से है। ये टोटल लेंथ है 120 mm, ये जो थिकनेस है ये 12 mm है थ्रू आउट। उसके बाद ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक का ये है 60 mm, ये 54 mm है और ये हाइट है 50 mm। सो लेट अस ड्रॉ दिस फ्रंट व्यू। और ये ड्रॉ करने के बाद हम उसको एक्सट्रूड करेंगे इस 64 mm से। तो यहाँ पे मैं एक लाइन कमांड लूँगा और प्लेन यहाँ पे लॉक करेंगे हम एक्स जेड। सो आई हैव लॉक दिस प्लेन। अब उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे क्विक व्यू बॉक्स में जाके फ्रंट व्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे ये प्रोफाइल हम ड्रॉ करेंगे, ये है 66 mm, ये लाइन मैं ड्रॉ करूँगा 66 mm की। उसके बाद ये 12 mm है और उसके बाद ये है 54 mm। और दिस इज 54 mm। सो दिस 54। उसके बाद दिस हाइट इज 60 mm, सो दिस 60 mm, देन अब यहाँ पे ये 66 mm है, टोटल है 120। यहाँ से यहाँ तक का है 54, सो 54 यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा? सो इट विल बी 120 माइनस 54। सो कितना आएगा? 120 माइनस 54, इट विल बी अगेन 66। तो ये 66 mm। उसके बाद ये टॉप से यहाँ तक है 50 mm, सो 50 mm। उसके बाद है ये 12 mm, उसके बाद 50 माइनस 12, इट विल बी 38। तो ये अब 38 mm मैं यहाँ पे लूँगा। उसके बाद अब ये जो लाइन है इसका एंड पॉइंट जो है इसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर जाके सिंपली मेरा माउस ड्रैग करूँगा, तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आपको दिखाई देगा। तो दिस डॉटेड लाइन वी आर गिविंग द गाइडेंस दैट व्हेन वी जॉइन दिस इट विल बी परफेक्टली वर्टिकल लाइन। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये प्रोफाइल जो है ये ड्रॉ किया है। अब इसको हम एक्सट्रूड करेंगे 64 mm से। अब फिर से मैं यहाँ पे होम बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और सिलेक्ट यहाँ पे ये ऑप्शन लूँगा और सिंपली आई विल सिलेक्ट दिस रीजन
रीजन सिलेक्ट करने के बाद ये जो एरो है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करके छोड़ दूंगा और सिंपली मेरा जो माउस है इसको मैं ट्रैक करूंगा और यहाँ पे डायमेंशन इंटर करूंगा 64 mm। तो ये प्रोफाइल हमने यहाँ पे ड्रॉप किया है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये फेस पे एक काउंटर सिंक होल है। काउंटर सिंक होल का डायमेंशन कुछ इस तरह से है, इसका डायमीटर है 20 mm, काउंटर सिंक का डायमीटर है 24 और काउंटर सिंक का जो एंगल है वो है 82 mm। तो ये होल हम यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर ड्रॉ करेंगे। काउंटर सिंक होल ये थ्रू आउट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थ्रू आउट है, थ्रू ऑल। सो अब मैं जाऊँगा होल कमांड के ऊपर, काउंटर सिंक होल हमें इस सरफेस के ऊपर ड्रॉ करना है, तो इस सरफेस को हम पहले लॉक करेंगे। तो ये सरफेस हमने लॉक किया है। अब मैं जाऊंगा होल ऑप्शंस के ऊपर और यहाँ पे हम होल सिलेक्ट करेंगे काउंटर सिंक, ये काउंटर सिंक होल है, और स्टैंडर्ड में हम सिलेक्ट करेंगे मिलीमीटर। अब काउंटर सिंक होल के डायमेंशंस इस तरह से हैं, डायमीटर है उसका 20 mm, काउंटर सिंक एंगल है 82 और काउंटर सिंक डायमीटर है 24 mm। होल एक्सटेंट है थ्रू ऑल, ऑलरेडी इट इज सिलेक्टेड। अब ये सिलेक्ट करने के बाद हम बटन, ये जो ओके बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो एज है इसके ऊपर जस्ट माउस मेरा लेके जाऊंगा, ये कर्सर, और जो कीपैड है मेरा इसका ई बटन जो है ये प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो डायमेंशन है यहाँ पे अपीयर हो रहा है। दूसरी बार अगर से मैं ई बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये टॉप से भी डायमेंशन हमें अपीयर होना चालू हो जाएगा। तो डायमेंशंस किस तरह से हैं, तो टॉप से है 31 और लेफ्ट से है 32। सो 32 और ये 31 और ये डायमेंशन एंटर करने के बाद मैं क्लिक करूँगा या फिर मेरा जो कीपैड है इसका इंटर बटन जो है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये काउंटर सिंक होल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने काउंटर सिंक होल थ्रू ऑल क्रिएट किया है। अब काउंटर सिंक होल क्रिएट करने के बाद हम ड्रॉ करेंगे ये टॉप वाला होल जिसका डायमीटर है 20 mm, सिंपल होल है उसका डायमीटर है 20 mm। अब फिर से मैं जाऊंगा, उससे पहले मैं ये होम बटन के ऊपर क्लिक करके ये आइसोमेट्रिक जो स्टैंडर्ड व्यू है ये हम यहाँ पे सेट करेंगे। अब जाऊंगा मैं होल कमांड के ऊपर, उससे पहले मैं ये जो प्लेन हमने लॉक किया था इसको अनलॉक करूंगा और अब जाऊंगा होल कमांड के ऊपर और यहाँ पे प्लेन अब हम सिलेक्ट करेंगे ये सरफेस। होल ऑप्शंस के ऊपर जाऊंगा मैं और सिंपल होल सिलेक्ट करूंगा, स्टैंडर्ड मिलीमीटर रखेंगे और ये जो डायमीटर है दिस वी विल कीप, ये कितना डायमीटर है तो ये है 20 mm। तो यहाँ पे 20 mm वैल्यू हम एंटर करेंगे और ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये होल कहाँ पे है, तो ये जो स्क्वायर है या फिर ये जो रेक्टेंगल है इसके मिडल पे है। देखिए यहाँ से 33 और यहाँ से कितना होगा 32, 64/2 मतलब 32। सो अब यहाँ पे फिर से मैं ई बटन प्रेस करूँगा दो बार, तो यहाँ पे हमें ये दोनों डायमेंशन मिलेंगे। सो ये जो है ये 32 है और ये है 33 और उसके बाद मैं क्लिक करूँगा ओके बटन के ऊपर, तो यहाँ पे ये होल क्रिएट हो जाएगा। स्टिल दिस होल कमांड इज एक्टिवेटेड। अब इसको डीएक्टिवेट करने के लिए हमारा जो माउस है उसका जो राइट की है
वो सिर्फ हम प्रेस करेंगे तो वो कमांड जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे दो होल्स हैं जिनका डायमीटर है 10 mm, सिंपल होल्स है, ये हम ड्रॉ करेंगे। इसका पोजीशन कहाँ पे है, तो यहाँ से 30 mm है और ये जो एंड्स है यहाँ से 20 mm, यहाँ से 20, यहाँ से 20। सो लेट अस ड्रॉ दैट होल। अब इसके लिए पहले मैं जाऊँगा पिक व्यू बॉक्स में, ये जो टॉप राइट कॉर्नर है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये हमें क्लियरली दिखाई देगा। जो पहले वाला प्लेन हमने लॉक किया था उसको हम अनलॉक करेंगे और उसके बाद फिर से मैं जाऊँगा होल कमांड के ऊपर। अब प्लेन हमें यहाँ पे ये जो सरफेस है इसके ऊपर लेना है, सो आई विल लॉक दिस प्लेन। अब होल ऑप्शन में जाएंगे हम और ये होल का डायमीटर है 10 mm, ऑलरेडी दैट प्री डिफाइंड वैल्यू इज हियर 10 mm। स्टैंडर्ड हम रखेंगे मिलीमीटर, होल एक्सटेंड रखेंगे थ्रू ऑल और उसके बाद मैं क्लिक करूँगा ओके बटन के ऊपर। अब इसका पोजीशन सेट करेंगे, पोजीशन है उसके लिए मैं प्रेस करूँगा ई बटन दो बार, तो पोजीशन अब यहाँ से आ रहा है तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखिए कितना है, दिस इज 30 mm, ये टोटल यहाँ पे कितना है, सो दिस इज 54। सो 54 माइनस 30 इट इज 24, यहाँ से 24 है और ये है 20। सो 20 और 24, एंटर बटन प्रेस करूंगा। उसके बाद और एक होल है इस साइड में, अब इसका भी जो डायमेंशन है पोजीशन जो है ये सेट करेंगे। उसके लिए मैं फिर से प्रेस करूंगा ई बटन, तो यहाँ पे सो दिस इज 20 और 24 और उसके बाद प्रेस करो एंटर की, सो दिस होल इट विल बी इट इज क्रिएटेड। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये दो होल क्रिएट किए हैं। दिस डायमेंशन इज नॉट 20, दिस वन इज 15, तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे ये 15। दिस इज 15, ओके। सो ऑल द होल्स वी हैव क्रिएटेड हियर। अब होल क्रिएट करने के बाद ये जो चैम्फर है, अनइक्वल चैम्फर है, देखिए यहाँ पे ये डायमेंशन है 20 और ये है 10। सो 20x10 का जो अनइक्वल सेटबैक का चैम्फर है वो हम यहाँ पे पहले क्रिएट करेंगे। तो चैम्फर हम यहाँ पे और यहाँ पे बनाने वाले हैं। अब मैं जाऊँगा चैम्फर विथ अनइक्वल सेटबैक कमांड के ऊपर और ये सरफेस हम सिलेक्ट करेंगे पहले, इसके बाद क्लिक करेंगे एक्सेप्ट बटन के ऊपर और सेटबैक वैल्यू जो है, अब यहाँ पे सेटबैक और एंगल आ रहा है, वी डोंट वांट दिस पैरामीटर, वी वांट सेटबैक 1 और सेटबैक 2 जो हमारे 20 और 10 है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा चैम्फर अनइक्वल सेटबैक्स जो ऑप्शंस है, चैम्फर ऑप्शंस इसके ऊपर, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे 2 सेटबैक्स, देन वी विल क्लिक ऑन दिस ओके बटन। फिर से मैं ये सरफेस सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद प्रेस करूँगा इस एक्सेप्ट बटन के ऊपर और यहाँ पे सेटबैक 1 और सेटबैक 2 के वैल्यू हम सेट करेंगे 20 और 10 mm। उसके बाद हमें एज सिलेक्ट करने हैं, ये वाला एज और ये वाला एज, तो यहाँ पे 20x10 का ये चैम्फर बन जाएगा। देन क्लिक ऑन दिस एक्सेप्ट बटन एंड देन प्रेस एस्केप, तो यहाँ पे ये 20x10 का चैम्फर बन चुका है। अब उसके बाद ये जो कॉर्नर्स है, ये शार्प कॉर्नर्स नहीं है,
दीज आर ऑल राउंडेड कॉर्नर्स। अब यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये तीन जो कॉर्नर्स हैं ये 20 mm रेडियस के राउंडेड कॉर्नर्स हैं, तो इनको हम पहले राउंडेड बनाएंगे, ये वाला और ये, दिस आउटर कॉर्नर्स। सो आई विल गो ऑन दिस राउंड बटन, राउंड कमांड, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे दिस एज कॉर्नर ऑप्शन, और इसके बाद ये जो तीन कॉर्नर्स है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब ये इनका रेडियस कितना है, सो दिस रेडियस इज 20 mm, सो ऑलरेडी दैट वैल्यू इज कमिंग हियर, सो सिंपली आई विल प्रेस द एंटर की। अब उसके बाद ये वाला, ये अंदर वाला, इसके बाद ये वाला और ये वाला, इनको हम राउंडेड एजेस में कन्वर्ट करेंगे, जिनका रेडियस है 8 mm। सो फिर से आई विल गो ऑन दिस राउंड कमांड एंड देन आई विल सिलेक्ट दिस वन एंड दिस वन, एंड आई विल मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ रेडियस 8 mm एंड देन आई विल क्लिक ऑन एंटर बटन। सो इन दिस वे वी हैव मेड ऑल दिस एजेस राउंडेड। अब यहाँ पे अब सिर्फ एक ही काम बचा है, वो है ये चैम्फर, ये वाला। तो चैम्फर किस तरह से है, 10 mm का चैम्फर है 45 degree से, सो दैट मीन्स दिस चैम्फर इज चैम्फर विथ इक्वल सेटबैक। तो ये चैम्फर हम बनाएंगे यहाँ पे, सो आई विल गो ऑन दिस चैम्फर विथ इक्वल सेटबैक कमांड। हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे एज कॉर्नर, और यहाँ पे ये जो दो एजेस है इनको हम सिलेक्ट करेंगे। चैम्फर किस तरह से है, 10 mm का है ये, सो आई विल मॉडिफाई दिस वैल्यू 10 mm एंड देन आई विल प्रेस द एंटर की। यस, सो इन दिस वे दिस ऑब्जेक्ट वी हैव कंप्लीटेड। अब ये जो कंप्लीट ये ड्राइंग था, ये ड्राइंग के मदद से हमने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का कंप्लीट मॉडल यहाँ पे बनाया है। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे, इन दिस वीडियो, विद द हेल्प ऑफ वेरियस कमांड्स वी हैव ड्रॉन दिस मॉडल ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो with your friends, and for getting more videos on Solid Edge please subscribe our channel and click on bell icon. Thank you.